दोस्तों, गर्मियों में धूल मिट्टी प्रदूषण के कारण हमारे स्किन पे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उसमें से एक प्रॉब्लम्स है हमारे स्किन पे पिंपल्स निकल जाना। तो दोस्तों, हम पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए कई प्रकार की आइटमेंट यूज करते हैं मेडिकल स्टोर से लेकर के, लेकिन हमारे पिंपल्स ठीक तो हो जाते हैं, फिर भी दाग धब्बे बने रहते हैं। तो दोस्तों, मैं इसको समाप्त करने के लिए एक घरेलू नुस्खा लेके आया हूँ, जिसको आप यूज करके आप अपने पिंपल्स के दाग धब्बे भी ख़त्म कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपने चेहरे पे ग्लो भी ला सकते हैं। तो ये नुस्खे काफ़ी कारगर हैं। और दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, नंबर एक, लहसुन पिंपल्स को हटाने के लिए काफ़ी कारगर है, क्योंकि इसमें एक तरह का एंटी फंगल गुड़ होता है जो इस समस्या से छुटकारा आप पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसको यूज करते हैं, हम दो कलियां लेते हैं और लहसुन की दो कलियों में एक लौंग लेते हैं। इन सबको पीस कर एक पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के बाद आप चेहरे पर लगाकर सूख जाने दीजिए, फिर उसके बाद चेहरे को धो लीजिए। ये उम्मीद करता हूँ काफ़ी जल्दी आपके चेहरे से पिंपल ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, नंबर दो है नींबू। चेहरे से पिंपल्स के दाग धब्बे हटाने के लिए नींबू भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, इसको इस्तेमाल में लाने के लिए हम नींबू के रस को थोड़ा सा कॉटन लेके अपने चेहरे पे 10 से 15 मिनट तक लगाते हैं, फिर उसके बाद में ठंडे पानी से हम चेहरे को धुल लेते हैं। इसको पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए दिन में कम से कम 3 बार यूज करें, और इसका रिजल्ट आपको 4 दिन से ही दिखने लगेगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। दोस्तों, नंबर 3 है पुदीने का पेस्ट। तो दोस्तों, पिंपल से छुटकारा पाने के लिए ये पुदीने के पत्ते का इस्तेमाल में लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी असरकारक ये भी है। तो दोस्तों, इसको यूज कैसे करना है, पुदीने के पत्ते को पीस कर पेस्ट बना लें और रात को चेहरे पर लगाकर सो जाएं, और सुबह उठकर चेहरे को ताजे पानी से धुल लें। दोस्तों, इसको सप्ताह में एक बार यूज करना है, और इसको लगातार यूज करने से आपके चेहरे से पिंपल्स गायब हो जाएंगे। दोस्तों, अगला नुस्खा है जो चौथा नंबर है, ये है पपीता। पपीते में जो मौजूदा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये पिंपल्स हटाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और इसको यूज कैसे करना है, इसका छिलका निकालने के बाद इसको आप पेस्ट बना लीजिए, और पेस्ट बनाने के बाद अपने चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगे रहने दें। सूखने के बाद आप ठंडे पानी से चेहरे को धुल सकते हैं, और हो सके तो आप इसका जूस भी आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। दोस्तों, ये भी काफ़ी असरकारक नुस्खा है। दोस्तों, नंबर 5 है दालचीनी। दालचीनी को भी पीस कर आप इसका पाउडर बना लें, और फिर इसमें गुलाब जल मिलाकर इसका पेस्ट बना लें और अपने चेहरे पर लगाएं, फिर इसको सूख जाने के बाद सादे पानी से चेहरे को धुल लें। इसको आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं बेहतर रिजल्ट पाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, अगर जो हमारा नुस्खा आपको आपके कारगर काफ़ी रिजल्ट अच्छा दिया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और इसको यूज और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।